हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेपिंग सक्सेस एंड यू आर लिसनिंग टू गजल रोहिला। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। फ्रेंड्स, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें क्या चाहिए होता है कि हम जल्दी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें, और जो डिविजिबिलिटी रूल्स हैं वो इसी चीज में हमारी हेल्प करते हैं। हम किसी नंबर को बिना ही डिवाइड किए हम ये बता पाएंगे कि वो नंबर इन नंबर से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ 2 से लेकर 11 तक के डिविजिबिलिटी रूल्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले मैं इजी वाले नंबर्स आपको बता दूं, 2, 5 और 10। ये 3 नंबर्स हम सबसे पहले लेकर चलते हैं क्योंकि इनके रूल्स सबसे इजी हैं। तो जो नंबर 2 है, नंबर 5 है और नंबर 10, ये 3 नंबर्स हैं हमारे 2, 5, 10। इनके लिए रूल्स सेम है। इसके लिए हम यूनिट डिजिट वो देखते हैं कि नंबर का यूनिट प्लेस पर क्या है। इसके लिए भी और इसके लिए भी, तीनों ही नंबर्स के लिए हम यूनिट प्लेस देखते हैं। किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर अगर 0 हो, 2, 4, 6 या 8, इन नंबर में से अगर कोई नंबर है, अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर, या फिर जिसको हम वंस प्लेस भी बोलते हैं, तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, वो नंबर 2 से डिवाइड जरूर होगा। फिर इसके बाद आता है दूसरा डिविजिबिलिटी रूल, जो कि है 5 का। इसके लिए वंस प्लेस पर होने चाहिए 0 और 5। तो अगर वंस प्लेस पर 0 और 5 हैं, इट मींस वो नंबर 2 से डिवाइड, 5 से डिवाइड जरूर होगा। 10 के लिए सिर्फ होता है यूनिट प्लेस पर 0 होना चाहिए। अगर यूनिट प्लेस पर 0 है तो वो नंबर 10 से डिवाइड जरूर होगा। ये क्लियर है, हमारे 3 रूल्स हो गए हैं। 5 का कंप्लीट हो गया, 2 का, 5 का और 10 का। अब आगे देखते हैं, हम रूल देखेंगे हम 3 का और 9 का। नंबर 3 और नंबर 9, इन दोनों के लिए फ्रेंड्स रूल ऑलमोस्ट सेम होता है। इसके लिए हम देखते हैं सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स देखते हैं हम इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो कोई भी नंबर होगा उसका हम डिजिट्स का सम करके देखेंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं इसका, तो कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए 9, 2, 1, 0, 3, 6, ये नंबर है। अब मुझे पता करना है ये इतना नंबर, बड़ा नंबर, 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए मुझे इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, मुझे इन सभी नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा। 9 + 2 + 1 + 0 + 3 + 6, 9 + 2 = 11, 12, 13, 14, 15, 15 and 6 = 21। 21 डिविजिबल है 3 से, इट मींस ये पूरा का पूरा नंबर हमारा 3 से डिवाइड होगा। ऐसे ही 9 का रूल भी बिल्कुल सेम है। 9 के लिए भी कोई नंबर लेकर चलते हैं हम, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि 9, 2, 1, 6, 3, 6, ये कोई नंबर है। अब अगर हम इनको डिजिट्स को ऐड करें, 9 और 2 11, 12, 12 और 6 18, 19, 20, 21, 21 और 6 27, 27 9 की टेबल में आता है, 9 से डिविजिबल है, इट मींस ये वाला नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। आगे चलते हैं, तो हमने कवर कर लिया 3 को और 9 को। अब हम आगे चलते हैं, हम कवर करेंगे नंबर 4 को और नंबर 8 को। 4 और 8 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं फ्रेंड। 4 का जो है, इसके लिए हम देखते हैं लास्ट 2 डिजिट्स। किसी भी नंबर की अगर लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड होंगी तो वो नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। और 8 के लिए देखेंगे लास्ट 3 डिजिट्स। तो कोई भी नंबर ले लीजिए, कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना ले लो आप, 7, 2, 3, 6, 4, 8, 7, 3, 4, 4, कितना ही बड़ा नंबर ले लो, उसकी अगर हमें सिर्फ लास्ट 2 डिजिट देखनी है, लास्ट 2 डिजिट या तो वो 4 से डिवाइड हों दोनों, या फिर उनकी जगह पे लास्ट 2 जीरोज हों, तो भी वो नंबर 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा इसके लिए है 8 के लिए। इसके लिए हम देखेंगे लास्ट 3 डिजिट, कितना ही बड़ा नंबर ले लो फ्रेंड्स, 8, 2, 2, 1, 3, 3, 5, 1, 2, तो लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड होंगी या फिर उनकी जगह 3 जीरोज होंगी, तो वो नंबर जरूर 8 से डिवाइड होगा। ठीक है, क्लियर है 4 और 8 का डिविजिबिलिटी रूल। तो हमने कवर कर लिया 4 को और 8 को भी। अब आइए देखते हैं 6 को। 6 का रूल सेम है, सिंपल सा है।
सिक्स के रूल के लिए हम किसी नंबर को टू से और थ्री से डिविजिबल देखेंगे, क्योंकि टू थ्री जा सिक्स होता है. तो टू से अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है और थ्री से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स वो सिक्स से भी जरूर होगा. ठीक है, तो सिंपल सा रूल है इसका. आगे चलते हैं, रूल देखते हैं इलेवन का. नंबर इलेवन का रूल देखेंगे हम. इलेवन का जो हम रूल देखेंगे, इसके लिए एक नंबर लेकर चलते हैं हम, सेवन नाइन टू थ्री फोर टू वन, ये नंबर लेकर चलते हैं हम. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इवन प्लेस पर जो नंबर्स हैं और ऑड प्लेस पर जो नंबर्स हैं, यानी कि ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर और ये वाला, इनको ऐड करेंगे, इन नंबर्स को ऐड करेंगे, यानी कि सेवन प्लस टू प्लस फोर प्लस वन. सेवन प्लस टू नाइन, नाइन और फोर थर्टीन और वन फोर्टीन. अब लेते हैं ये वाले नंबर्स, नाइन प्लस थ्री प्लस टू, नाइन और थ्री हो गया ट्वेल्व, ट्वेल्व और टू फोर्टीन. इन दोनों नंबर्स का हम लेंगे डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है जीरो. तो अगर डिफरेंस जीरो आए या फिर इलेवन से डिविजिबल कोई नंबर आए, या तो जीरो हो या इलेवन हो, ट्वेंटी टू हो, या फिर इलेवन की टेबल का कोई भी नंबर अगर आ रहा है डिफरेंस, तो इट मीन्स वो नंबर इलेवन से जरूर डिवाइड होगा. एक और एग्जाम्पल लेकर देखते हैं फ्रेंड्स. सेवन वन टू वन फोर वन वन, इसका एग्जाम्पल लेकर देखते हैं. इसको ऐड करते हैं हम, वही जो हमारा है तरीका, पहले इन नंबर्स को लेंगे हम, फिर लेंगे हम इन वाले नंबर्स को. ठीक है, पहले ऑड प्लेस वाले ले लेते हैं, फिर इवन वाले. सेवन प्लस टू प्लस फोर प्लस वन, इसका टोटल होता है फोर्टीन. और दूसरे नंबर्स लेते हैं हम, वन प्लस वन प्लस वन, इसका टोटल होता है थ्री. इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो नंबर होगा हमारे पास इलेवन. तो ये नंबर भी, ये वाला नंबर भी जो है आपका इलेवन से डिवाइड होगा. अगर डिफरेंस जीरो आए या इलेवन आए, तो ये नंबर, जो दोनों ही नंबर इलेवन से डिवाइड होंगे. क्लियर है? अब लास्ट नंबर है हमारा नंबर सेवन. इसका डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं. थोड़ा सा डिफरेंट है इसका डिविजिबिलिटी रूल, पर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा. जैसे एक पहले छोटा एग्जाम्पल लेकर मैं आपको बताती हूँ. थ्री फोर थ्री, ये नंबर अगर हमें चेक करना है कि सेवन से डिविजिबल है कि नहीं है, तो जो लास्ट डिजिट है उसको छोड़ के उसको अलग कर देंगे, सिर्फ लास्ट डिजिट को. ये वाला नंबर बिल्कुल सेम लिखेंगे, और जो लास्ट वाला नंबर है इसका डबल इसमें से माइनस कर देंगे, तो आएगा हमारे पास 28. ठीक है, फिर वही फोर का डबल हो, फोर ये टू तो सेम आ जाएगा एज इट इज. जो लास्ट वाला नंबर होगा उसका डबल आएगा, इसका जो डिफरेंस है वो आएगा 14. फ्रेंड्स, यहां पर हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं, हम माइनस एक्चुअल में नहीं कर रहे हैं इसको. अगर माइनस करेंगे तो माइनस 14 होगा, बट हम दोनों का डिफरेंस देख रहे हैं. तो जो दोनों का डिफरेंस है वो 14 आ रहा है, और 14 7 की टेबल में आता है. तो ऐसा कोई नंबर आए, या तो 0 आए, 7 आए, 14 आए, या 14 के मल्टीपल में अगर कोई नंबर आता है, तो ये नंबर 7 से जरूर डिवाइड होगा. एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं. जैसे इसका 1 6 8 0 7, ये नंबर लेते हैं. लास्ट वाले नंबर को अलग करेंगे हम, ये नंबर हम लिख देते हैं एज इट इज, और इसका डबल हम करेंगे इसमें से माइनस, तो आया हमारे पास क्या, 1 6 6 6, ये आया. फिर लास्ट वाले नंबर को अलग करेंगे, 166 तो सेम आएगा, 16 6 का डबल हम यहाँ पे माइनस कर देंगे इसमें से अगेन, तो हमारे पास आया 154. फिर वही इसको अलग करेंगे हम, तो यहां पर आया 15 माइनस 4 का डबल हो गया 8, तो डिफरेंस आया हमारे पास 7. 7 7 की टेबल में आता है, मतलब हमने बोला था कि 7 के मल्टीपल जो भी होंगे, तो इट मींस ये वाला नंबर जो है हमारा, ये भी 7 से डिविजिबल होगा. तो फ्रेंड्स, ये था 7 का डिविजिबिलिटी रूल. आई होप कि आपको ये सभी डिविजिबिलिटी रूल समझ आए हों. तो आपके लिए एक क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दें. तो एक नंबर बता रही हूं मैं आपको, ये है 9 2 3 1 4 x और 6. तो आपको मुझे ये बताना है कि x के प्लेस पर क्या नंबर आएगा जो ये 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए. नंबर 11 का डिविजिबल देखना है, तो क्या आएगा x की जगह पे कि ये नंबर पूरा पूरा 11 से डिवाइड हो जाए. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू.